सो हेलो एंड वेलकम टू गाइस, मैं वनीस और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओबीएस के ऊपर और ओबीएस के कुछ सेटिंग्स के ऊपर। और गाइस, अगर आप लोगों के पीसी के अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं है या फिर आप लोगों के पास 8 GB की रैम है, आप लोगों का जो पीसी का मॉनिटर रिफ्रेश रेट है वो 60 Hz वाला है, एक सिंपल सा मॉनिटर है, फिर भी आप लोग 2K रेजोल्यूशन वाले वीडियो कैसे शूट कर सकते हो और कैसे उसको यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो, उन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। काफ़ी बार क्या होता है कि YouTube पे आप काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वीडियो देखते हो तो उनकी जो वीडियो क्वालिटी होती है वो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर होती है, और आपकी वीडियो क्वालिटी जब आप अपनी वीडियो को उस वीडियो से कंपेयर करते हो तो आप लोगों की वीडियो क्वालिटी एकदम लुल होती है। तब आप लोग सोचते हो कि हमारे पास जो पीसी का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है शायद उस बंदे से कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैटर करता है यहाँ पे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी, लेकिन 50% लेकिन 50% आप लोगों की इसकी कस्टमाइजेशन सेटिंग होती है, क्योंकि हमें काफ़ी बार इसकी सेटिंग्स के बारे में कुछ आधा अधूरा नॉलेज होता है, जिसकी वजह से क्या तो हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उस टाइम हमारा गेम लैग होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर हमारी जो रिकॉर्डिंग स्क्रीन होती है उसकी साइज़ होती है वो GB के अंदर चली जाती है, 50 GB, 30 GB, तो उसको एडिटिंग करते टाइम भी यार काफ़ी डिफ़िकल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में अगर आप लोगों के पास विदाउट ग्राफिक कार्ड 8 GB की रैम और इंटेल i3 जैसा प्रोसेसर है, या हो सकता है आपके पास AMD का हो, तब भी ये सारी सेटिंग उस पर अप्लाई हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको जब फर्स्ट टाइम आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो, ठीक है, OBS को, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है आप लोगों को। स्क्रीन यहाँ पे स्क्रीन और सोर्स की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप लोग OBS यूज़ कर रहे हो तो ओबियसली आप लोगों को इन दोनों चीज़ों के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता तो आप कमेंट करोगे तो मैं इसके सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बेसिकली आज हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आप लोग कोई गेम खेल रहे हो, गेम खेलते टाइम आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो वीडियो के लिए और आपकी गेम लैग हो जाती है क्योंकि आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है, लेकिन गेम आपकी अच्छे से चलती है और सिर्फ 4 GB के रैम है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसका सॉल्यूशन मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे सेटिंग पे आते हैं। तो वेल, जैसे ही सेटिंग ओपन हो गई, और एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैं आप लोगों के लिए OBS से ही स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले हम जब इसकी से यहाँ पे एक बार मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे एक बार जैसे हम यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे खुल जाता है। यहाँ पे जर्नल और स्ट्रीम, ये दो ऑप्शन की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जर्नल में क्या होता है कि बेसिकली जो भी आपने अपनी सेटिंग रखी होती है कस्टमाइज करके, उसका सारा यहाँ पे लेखा जोखा देखने के लिए बात कर रहे हैं। स्ट्रीम, स्ट्रीम पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे यूट्यूब की डालनी होती है, फेसबुक की डालनी होती है, या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो उसके यहाँ पे की डालना पड़ता है और आप लोग लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, ठीक है। तो हम इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे छोड़ रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है रिकॉर्डिंग के लिए आउटपुट और ये वीडियो, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आउटपुट को ओपन करते हैं, और आउटपुट को जैसे ही ओपन करोगे, मेरा यहाँ पे एडवांस पे है, आप लोगों का बाई डिफॉल्ट ये सिंपल पे रहता है, कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे वीडियो बिट रेट, ये आप लोगों के पास जितना होगा उतनी आपकी वीडियो की क्वालिटी क्रिस्टल क्लियर होगी। अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग बिट रेट होता है, जैसे कि अगर आप MP4 वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो उसका बिट रेट कुछ और होगा, 4K के लिए कुछ और होगा, 2K के लिए कुछ और होगा। अभी कुछ और कितना होगा ये मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। सपोज दैट ये वेबसाइट गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं इसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यहाँ पे काफ़ी सारे तमाम आप लोगों को सेटिंग दिखाए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 4K है, यहाँ पे 4K ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, तो सारे के सारे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो रिजोल्यूशन है ये हमारा यहाँ पे 30 फ्रेम पर सेकेंड रेट पे है, ये 60 पर सेकेंड रेट पे है, ये 40 पे है, ठीक है। तो ये 40p 60, ये 2K रिजोल्यूशन है। तो अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो 4K तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप 2K तक जा सकते हो। तो 2K पे जैसे मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो 2K का रिजोल्यूशन ये होता है, और इसका बिट रेट कितना है, 9000 से 18000 है। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप 9000 वाला जो बिट रेट है वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा आप 6 से 8 हज़ार के बीच में रखिए। 6 से 8 हज़ार के बीच में आप लोग इजिली 2K वाली रिजोल्यूशन वाली वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो इस वेबसाइट की मदद से आप लोगों को मिल जाएगी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, और वैसे मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ यहाँ पे ट्यूटोरियल बना के, तो
तो हम इसको मिनिमाइज करते हैं। तो यहाँ पे ये बिट रेट आप लोग समझ गए होंगे, जितना ज़्यादा बिट रेट होगा उतनी आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप लोग 2K के करना चाहते हो तो आप लोग 2K का यहाँ पे बिट रेट रख सकते हो, 6000 से 8000 के बीच में रख सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग 6000 बिट रेट रख सकते हो, लेकिन सिंपल पे नहीं रखना है हमें। तो ये सिंपल तो बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर लेना है और एडवांस पे आ जाना है। जैसे आप एडवांस पे आओगे कुछ इस तरह का यहाँ पे टैब ओपन हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रीम का, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का है। तो सबसे पहले आप लोगों को रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। रिकॉर्डिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आप लोगों के पास कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले ब्राउज, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसको कहाँ पे सेव करना चाहते हो, कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो, ये उसके लोकेशन देनी होती है। यहाँ पे ब्राउज पे जैसे ही क्लिक करोगे, एज यू विश आप कुछ भी चूज कर सकते हो कहाँ पे आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम जर्नल पे आते हैं, जर्नल फाइल नेम एंड विदाउट फिर साइज, तो यहाँ पे MKV है। हमेशा आप लोगों को MKV ही चूज करना है। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को MKV चूज करना है। जिन बंदों के पास एक अच्छा हार्डवेयर है वो भी MKV ही चूज करते हैं। MKV चूज करने के यहाँ पे दो फायदे हैं। MKV से क्या होता है कि अगर आपने आधे घंटे का गेम खेला और वो रिकॉर्ड किया तो उसकी साइज कभी भी GB में नहीं जाएगी, छोटी से छोटी फाइल आप लोगों को मिलेगी। जब आप उसको MP4 में कन्वर्ट करोगे तो 1-2 GB की हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट आप यहाँ पे MP4 सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे सपोज दैट आपने MP4 सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये जो आपकी साइज फाइल साइज होगी वो GB के अंदर जाएगी। हो सकता है कि आपने आधे घंटे का गेम खेला और आपकी फाइल साइज बनेगी 10 GB की। सेकेंड चीज़, यहाँ पे MP4 सेलेक्ट करते हो तो अगर आपकी लाइट चली गई, PC रिस्टार्ट हो गया, एक्सीडेंटली कुछ भी हो गया तो जितना भी आपने रिकॉर्ड किया वो सब खराब हो जाएगा। लेकिन MKV में अगर आप रिकॉर्ड कर रहे होगे तो वो खराब नहीं होगा, उस फाइल को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इस MKV को MP4 के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी OBS से 1 मिनट में हो जाता है। 1 मिनट भी नहीं है गाइस, सेकेंडों में हो जाता है, ठीक है। चाहे आपकी कितनी भी बड़ी GB की फाइल क्यों ना हो, MKV फॉर्मेट वाली को हम यहाँ पे MP4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। सेकेंड चीज़ आती है यहाँ पे ऑडियो ट्रैक। तो ऑडियो ट्रैक को बाई डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है, यहाँ पे मैं बाई डिफ़ॉल्ट छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग जब ये ऑडियो वाली सेटिंग करेंगे तो उसके ऊपर यार काफ़ी कुछ है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को ऑडियो के बारे में भी जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आते हैं इनकोडर। बेसिकली अगर आप लोगों के पास ग्राफिक कार्ड यहाँ पे नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पे दो चीज़ें, यहाँ पे इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये 264 आप सेलेक्ट कर लेना, ये आपके बाय डिफॉल्ट जो प्रोसेसर के अंदर इनकोडर होता है वो आ जाएगा। अगर आप लोगों के पास यहाँ पे कोई ग्राफिक कार्ड है, चाहे कोई भी ग्राफिक कार्ड हो, तो आप लोग को एनवीडिया रैंक ये चूज़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने कर रखा है, ये बेसिकली करता है क्या है कि आपकी जो भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उसको कंप्रेस करके स्टोर करता है। अगर आप लोग जैसे कि आपकी फाइल साइज 10 GB की है तो ये 10 GB की फाइल साइज को कंप्रेस करके रिकॉर्डिंग वाली फाइल साइज को 1 GB की आप लोगों को दे देता है। तो ये बेसिकली फाइल साइज को कंप्रेस करने के लिए काम आता है, जो कि काफ़ी एक अच्छा फीचर है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास ग्राफिक कार्ड है तो आप एनवीडिया रैंक ये रख सकते हो। अगर आप लोगों के पास कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप लोग आपका जो यहाँ पे ये 264 रख सकते हो, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट आपका प्रोसेसर का होता है और हर एक प्रोसेसर के अंदर एक बाय डिफॉल्ट ग्राफिक का जो रेंडरिंग का आता है वो आता ही आता है, क्योंकि जो आप विजिबल देखते हो जैसे कि कोई फोटो वीडियो या यूट्यूब पे वीडियो, वो सब आपके प्रोसेसर के अंदर जो डिफॉल्ट इंटीग्रेटेड चिप्स होती है ग्राफिक कार्ड की, उसी की मदद से आप देख पाते हो, या उसी का यहाँ पे यूज़ कर लेगा, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पे बिट रेट से ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट बिट रेट होता है इसका मतलब, ठीक है। और यहाँ पे आता है आपकी रिकॉर्डिंग का बिट रेट। तो ये बिट अगर आप लोग यहाँ पे जैसे कि मैंने 8000 रखा है और मैं फिलहाल जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी OBS से ही कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो मेरा स्क्रीन कन्फिग्रेशन है वो 60Hz रिफ्रेश वाला मॉनिटर ही है, तो यहाँ पे आप लोग क्वालिटी इनको बाय डिफॉल्ट छोड़ देना। और यहाँ पे 8000 रखा हुआ है मैंने,
क्योंकि मैं ये इस वीडियो को 2K रेजोल्यूशन पे शूट कर रहा हूँ, और 2K के लिए जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया, मैं एक बार आप लोगों को फिर दिखा देता हूँ। ओबीसी कहाँ गया, थोड़ा ऊपर, तो ये है यहाँ पे 2K का रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो 2K के लिए इन्होंने बिट रेट कितना दिया हुआ है, 4500 से 9000 दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे 2K के लिए, ये सॉरी ये 1080p वाला है, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, वेल गाइस ये रहा यहाँ पे, ये 2K रेजोल्यूशन है 60 FPS। तो FPS यहाँ डजेंट मैटर, आप लोग 60 FPS पे रिकॉर्ड कर लेना। यहाँ पे 6 से 13 हज़ार रुपये बोल रहा हूँ KBPS ले आ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 60 से ये देखिए यहाँ पे, तो मैंने इसके आधा ही रखा हुआ है यहाँ पे 13 हज़ार, तो 6 से और 13 तो मैं 8 हज़ार है जो मेरा ये बीच का रखा हुआ है, ठीक है। तो वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने रेजोल्यूशन वाली, मतलब कितनी क्लियर वीडियो क्वालिटी वाली आप इसे रिकॉर्ड करवाना चाहते हो। तो ये 2K का रेजोल्यूशन है, तो आप लोग अपने मर्जी के मुताबिक आप लोग कोई भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को 1080p, तो 1080p का भी ये देख सकते हो 3 से 6 हज़ार दिया हुआ है, तो उसी के हिसाब से ये क्वालिटी आपकी यहाँ पे सेट हो जाती है। आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, अप्लाई कर देना है यहाँ पे, ओके कर देना है, ठीक है। और इतना होने के बाद अप्लाई और ओके कर देना है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे सेटिंग ओपन करता हूँ। अब आते हैं यहाँ पे ये वीडियो पे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो में सबसे पहले आता है आपका बेस कैनवास। तो बेस कैनवास से मतलब होता है ये ब्लैंक एरिया, ये आपका कितना रहेगा, ठीक है। तो ये आपके जो स्क्रीन रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। तो जो बेसिक जो नॉर्मल मॉनिटर आते हैं उनके जो बेस कैनवास होते हैं, आप लोग देख सकते हो ये यहाँ पे, जैसे ही क्लिक करोगे सबसे ज़्यादा होगा वो आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मेरा जो स्क्रीन का जो ये हमें चैट पढ़ने के लिए मोस्ट ऑफ ये स्क्रीन मतलब ये यूज़ करता हूँ, वो मैंने यहाँ पे मॉनिटर यूज़ किया है मेरा ये है। तो इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका रिजोल्यूशन से, ठीक है। आपका रिजोल्यूशन क्या है, ये वाला है ना, इस वाले में आपकी शूट करेगा। और ये आउटपुट, तो आउटपुट 980, 800, 1080, 900, 1920 और 1080, ये मतलब क्या होगा कि आपकी वीडियो की साइज होगी, ठीक है। तो वो ये जो है ना आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक बार मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये अपना जैसे कि 4K है गाइस, तो 4K का ये है देखो यहाँ पे। तो ये अगर आप सॉरी 4K का है, और ये यहाँ पे 2K का। अगर आप यहाँ पे 2K रेजोल्यूशन वाले वीडियो शूट कर रहे हो तो आप लोग ये रख सकते हो, अगर यहाँ पे उससे कम रख चाहते हो तो ये रख सकते हो, अगर उससे कम जाते हो तो यहाँ पे 920, 1080, यहाँ पे ये 1080p वाली पे आप ये रख सकते हो। तो आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों को क्या कौन से फ्रेम रेट पे अपनी वीडियो शूट करनी है या रिकॉर्ड करनी है वो यहाँ से रख सकते हो, ठीक है। तो ये उसके बाद ये होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे 30 या फिर 60, आप लोग दोनों ट्राई कर सकते हो। मतलब लैग जिसमें आपका कम से कम देखने के लिए मिले, आपका पीसी अच्छे से हैंडल करे, वो आप यहाँ पे ट्राई करके देख लेना। 60 है या 30 है, दो ही मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को 60 पे थोड़ा सा लैग करता है, आप लोग 30 पे जा सकते हो। सिंपली हम इसको अप्लाई कर देंगे, और अप्लाई करने के बाद अब यहाँ से जैसे आप लोग यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्ड करोगे, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक ये वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, और अब मैं इसको सिंपली स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप होने के बाद अब जहाँ पे भी आपने इसकी लोकेशन रखी होगी वहाँ पे चली गई होगी। मेरी लोकेशन बाई डिफॉल्ट ये है, तो ये जो हमने जो वीडियो शूट की है यहाँ पे, ये देखिए MKV में है रिकॉर्ड की ना, वो MKV में। और इसका मैं साइज मैं आप लोगों को दिखाऊँ एक बार, तो आप लोग इसका साइज देख रहे हो यहाँ पे इतना MB का है, 6 MB की ये फाइल बनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आप लोगों को इसको MP4 में कैसे कन्वर्ट करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे फाइल पे आना है, फाइल पे आने के बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद इस पर क्लिक करना है, और बाई डिफॉल्ट ये आपका खुल जाएगा। यहाँ से आप लोगों को अपनी ये फाइल को चूज करना है। अब ये पूछ रहा है मैं इसको MP4 में कन्वर्ट कर दूँ, आप लोगों को यहाँ पे नीचे यस कह देना है। तो बस क्लिक करने की देरी थी, तो ये हमारी यहाँ पे MP4 में कन्वर्ट हो चुकी है। और ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये वीडियो कहाँ पे आई होगी। तो ये हमारा फॉर्मेट था MKV, और ये आ चुका है MP4, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा काम करता है, और मैं इन दोनों को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि अब मेरे को यहाँ पे जरूरत है नहीं। तो वेल गाइस आप लोग समझ गए होंगे OBS के बारे में, और मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी OBS से ही कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप लोग इसके सेटिंग के साथ थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो, और आप लोग चाहते हो मैं इसको फुल्ली एक्सप्लेन कर दूँ तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना।